आप अपने ब्लॉग को जो है सेव कर सकते हैं स्पैम से, यानी कि किसी टाइप की स्पैम अगर आप अपनी वेबसाइट पे जो इसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए गाइस आपको जो है प्लगइन यूज करना होगा। और उसके लिए सबसे पहले जो है हमें WP एडमिन में आना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लगइन जो है मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है आपको जो है गाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए ये है एक्सेप्ट एंटी स्पैम, तो ये देखिए गाइस अगर आप यहाँ पे जाके अगर एंटी स्पैम लिखोगे ना एड न्यू पे जाके तो जो है वहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा कि जो है आप इसको देखिए ऊपर ऊपर आ रहा है इसको जो है एक्टिव मेरे पास इंस्टॉल है तो मुझे जो यहाँ से एक्टिवेट करना है तो ठीक है मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ या फिर यहाँ से मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ इंस्टॉल प्लगइन पे जाके सीधा एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो जो देखिए गाइस ये जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए गाइस आपको जो है सेटअप करना है अपना एक्समेट अकाउंट, आपको जो है पहले उस साइट पर अकाउंट बनाना पड़ेगा तो वो देखिए उसके लिए सबसे पहले जो है आप वहाँ पे जाइए साइन अप करिए और वहाँ से जो है आपकी जो API की है गाइस उसको जो है ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको वो एक API की देगा और वो API की जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर देखिए गाइस इसमें आपके पास जो है ऑप्शन आ जाएगा और इसमें जो है सेटिंग आ जाएगी और इसके थ्रू जो है आप आसानी से आपको जो है अटैक हो रहा है जो स्पैम जो है उससे जो है ये दूर रखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग की वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्यूरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाए तो उसके लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग की वाचिंग माय वीडियोस।